स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पे। कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की डिसीजन सलाह ज़रूर लें। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी जिस शेयर की हम एनालिसिस करने वाले हैं वह है भारती एयरटेल लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपको चार्ट दिख रहा होगा भारती एयरटेल लिमिटेड का। ठीक है, देखिए बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा था। ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट, ये जो ऊपर वाली लेवल है 614 रुपये के आसपास है। ठीक है, इसे बहुत दिनों से लगभग मैं इसे ही ट्राई कर रहा था ब्रेक करने का। तो यहाँ पे एक बार आके हिट किया है, ठीक है, फिर से नीचे आया। फर्स्ट टाइम था इसलिए नीचे आ गया, फिर सेकेंड टाइम जाके यहाँ पे हिट किया। ठीक है, फिर थर्ड टाइम उस हिट किया 2 हफ्ते बाद। एंड फिर थर्ड टाइम देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे बायर्स इस शेयर को इस लेवल के नीचे नहीं जाने दिए हैं। बायर्स ने इस लेवल पे इसे सपोर्ट दिया है और ये बहुत काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा सारे बायर्स यहाँ पे एकोमुलेट हुए हैं, सारे बायर्स यहाँ पे एकोमुलेट हुए हैं। और उसके बाद ये बढ़िया सा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, 1 2 3 4 टाइम ये बढ़िया सा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, आशा हम लोग यही कर रहे हैं, वो प्रॉबिलिटी यही है कि यही शेयर यहाँ पे ये जो नया इसका रेजिस्टेंस था पुराना वाला, ये अब नए एज ए न्यू सपोर्ट एक्ट करेगा और यहाँ से ये शेयर फिर से बाउंस बैक देके ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। जब कोई शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास होता है तो उसके ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जिस रेंज में बना होता है उसका 2 टाइम्स देता है। ठीक है, टारगेट तो अभी 517 से लेके 620 तक, ठीक है, मतलब 100 रुपये का रेंज था। तो अभी ऊपर जाने का क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 200 रुपये ऊपर तक ये जा सकता है। ठीक है, तो 620 से 700 820 तक इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है आने वाले कुछ महीनों में, ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर सारे सिनारियो सही रहे तो मार्केट है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमेशा ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो आपको अभी दिख रहा होगा, देखिए एक समय तो क्या था कि जब ये जो ट्रेंड लाइन इसने बनाया था उस समय ट्रेंड लाइन को जब रीटेस्ट कर रहा था तब हम उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, कुछ क्वांटिटी, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे जाके ये फिर से ब्रेकआउट देगा या कि नहीं। क्योंकि लेकिन ये 4 टाइम्स था तो ये तो काफ़ी 70-80% चांस था कि यहाँ पे आके ब्रेकआउट दे देगा। कभी भी कोई भी शेयर, ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस को किसी भी सपोर्ट को जाके बार बार हिट करता है तो वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है। इसीलिए 4 टाइम्स आके ऐसे दूर से हिट किया है इसलिए वीक हो गया था, इसलिए इस बार इसने अच्छे से ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अभी अभी क्या है यहाँ पे देखिए, एक ये रेजिस्टेंस जोन है, ये अभी सपोर्ट एज ए सपोर्ट जोन एक्ट करने वाला है। 622 से लेके 615 तक का, ये जो 622 से 615 तक का जो रेंज है ये एज ए सपोर्ट एक्ट करने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब ये 614 615 को टच करेगा, ठीक है, जब 614 615 को टच करेगा तो उस समय हमें इतना इतना टाइम नहीं मिलेगा, टच करते ही ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, जब ये शेयर यहाँ पे टच करेगा, टच करते ही ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस होंगे कि ये टच करके थोड़ा दिन स्पेंड करे और बाद में जाए, इसके बहुत कम चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि ये टच करते ही ऊपर की ओर चला जाए। ठीक है, या फिर क्या होगा, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, या फिर क्या होगा, ये धड़ल्ले से नीचे आएगा। ठीक है, अगर इसको नीचे आना है तो ये जल्दी से नीचे आ जाएगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वहाँ पे थोड़े से बायर एकुमुलेट होंगे एंड फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से बायर एकुमुलेट होंगे और ये फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे थोड़े से बायर को क्या है, बायर्स आएंगे, न्यू फ्रेश बायर्स आएंगे एंड देन इस शेयर को ऊपर ले जाएंगे, तो ये काफ़ी दूर तक जा पाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये जो भारती एयरटेल है अभी इसमें आप हम लोग अपनी पोजिशन बना सकते हैं 614 का स्टॉप लॉस लगा के। एंड टारगेट तो बहुत बड़ा है, फर्स्ट टारगेट हमारा 644 होगा, जिसको जल्दी निकलना है वो शॉर्ट टर्म अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ये 614 के बाद यहाँ से बाउंस बैक देता है, ठीक है, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके ऊपर की ओर जाता है तो आपको इसमें बने रहना चाहिए लगभग 5-6 महीनों के लिए। कि लेकिन क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस से आपको बहुत बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, और आपको डर लगता हो
आप ज़्यादा दिन तक इसे होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें से एग्जिट ना करिएगा। यहाँ पे अपना जो 640 है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ही रखिएगा और होल्ड करके रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज का शेयर भारती एयरटेल, जिसमें पोजीशन बनाने का समय आ ही गया है लगभग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिस दिन वो कैंडल बनाएगा टच करके ही नीचे वाले सपोर्ट को ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, एक टेल बना के ज़्यादा यही चांसेस है। देखते हैं मार्केट सब कुछ अच्छा रहा तो ऐसा ही होगा कुछ। चलिए तो फिर आज अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो का चैनल का कंटेंट इस वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ढेर सारे चैनल ये जो भी शेयर्स हैं उनको ढूंढता हूँ, उन पर एनालिसिस करता हूँ, फिर आपके सामने लेके आता हूँ कि अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं या नहीं। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जिन शेयर में हम पोजीशन बना सकें, जो अपने ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे हमें 2-3 दिनों में ही पोजीशन बनाने की स्थिति पता चल जाए, ऐसे शेयर्स को मैं ज़्यादा ढूंढ के ले आता हूँ। तो चैनल अगर वीडियो लाइक आप अच्छी लगती हो तो ज़रूर से लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।